रियासती शहर नाभा के अंदर लगातार अमन कानून की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसकी मिसाल नाभा के सर्कुलर रोड से स्थित दादा फाइनांस की घटना सामने आई है। दादा फाइनांस के MD मेजर सिंह बनेरा ने दसा कि मेरे दफ्तर के अंदर अचानक एक व्यक्ति दाखिल होया, जिसके पिछे मारू हथियार लेके काफ़ी गिनती के नौजवानों ने हमला कर दिया। दफ्तर अंदर ही उस व्यक्ति ने बुरी तरह जख्मी कर दिया और मेरी दुकान से काफ़ी तोड़फंद कर दी, इस नाल दफ्तर के अंदर लगे शीशे से कुर्सियां टुट गई। उन्होंने कहा कि मेरा काफ़ी नुकसान होया है। मेजर सिंह ने दसा कि नाभा के अंदर प्रशासन की कार्यकारी बिल्कुल ढिली नज़र आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय। घटना बड़ी अचानक हुई है, दोपहर तकरीबन 2:30 बजे का टाइम सी, तो लंच टाइम होने करके गए हुए सी, कल्ला मैं दफ्तर सीगा, तो अचानक दो मुंडे भज के अंदर आए ने कमरे च, तो उन्होंने मेरे दफ्तर च आके कहा, कहिंदे अंकल सानू 15-20 मुंडे बाहरों मारन आ पए। तो मैं कहा, मखा भी मैं कोशिश करदा बचाउण दी, मखा तुसी अंदरों कुंडी ला लो, मैं बाहर आके उन्होंने जतन किया, उन्होंने भी वो है नहीं, वो भज गए जां वो किधरे चले गए, पर उन्होंने चेहरे तो उन्होंने हालातों तो लगता सीगा भी वो नशेड़ी सीगे, नशे किए हुए सी उन्होंने मुंडिया के, कई रुमाला बनिया सी मूँह से, तरपाना तो सोटियां हाथ से उन्होंने, उन्होंने बिना कोई किसी की सुनवाई, साढ़े इतने मार्केट वाले भी इकट्ठे हो गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ 2-4 मिनट के कार्रवाई करी है उन्होंने, कृपाना नाल हमला करके दुकान के अंदर शीशे तोड़ते साढ़े, तो वो जिहड़े अंदर बड़े हुए सी उन्होंने, एक मुंडे दे मेरे ख्याल कृपाना काफ़ी लगिया ने, दूए दे शायद पता नहीं लग्या, कट च भी घट ने, ज़्यादा ने, जां होस्पिटल च हो ट्रीटमेंट ते है, भी उहदा किन्ना कु नुकसान होया। हालातों असी देखते हाँ भी जिस तरह की गुंडागर्दी शरेआम इत्थे नाभे दे विच पुश्त पनाही हो रही है, जिस तरह सियासी साहित इन्नी गुंडागर्दी हो रही है, शरेआम नशेड़ी तुरे फिरते ने, और मैनू नहीं लगता भी नाभे दे विच इत्थे कोई लॉ एंड आर्डर की कोई स्थिति है जां कोई सरकार नां दी चीज़ है। और मैं सच उन्हूं फोन किया, तकरीबन 2 घंटे बाद इत्थे पुलिस आई है, तो कहिंदे भी उधर भी गोली चल गई है, कॉलेज कोले कॉलेज उधर बिजी हाँ असीं, इत्थे असीं बाद च आउने आं, तो साढ़े कोले 2 घंटे बाद इत्थे मौका देखण आए ने पुलिस वाले, मौका देख के उह चले गए। तो बाकी ये नहीं कोई ट्रेस भी किहड़े ओह गुंडे सी किहड़े हैगे सी कित्थों सीगे ओह, ये हुण पुलिस नूं पता, इनवैसटीगेशन दे विच पता लगेगा भी ओह कौण सीगे। मंग तां उम्मीद तां वैसे है नहीं सानूं, मंग तां असीं ये करदे हां भी प्रशासन ने अगर नथ ना पाई इन्हां गुंडियां दे कंट्रोल ना कीता, तां मैनूं लगदा भी नाभे च जिस तरह बठिंडे वाले आपां चाहुंदे हां भी उत्थे गैंगवार हो रही है, तां कोई बहुती देर नहीं लगनी भी महीना 2 महीने च मेरा ख्याल 5-4 कतल नाभे च जरूर हो जाएंगे इस तरह के, जे ये तो इन्होंने सख्ताई कंट्रोल पुलिस ने ना की, जे ना सख्ताई की। पूरा मामला ये जी, इत्थे एक मुंडा आया, वो मगर मुंडे पे हुए थे काफ़ी मोटरसाइकलों पर, कृपाना हाथ च गड़ासे राड़ा लोहे दिया, वो भज के इत्थे आ गया, तो इत्थे आके दफ्तर के वड़ गए, ये सरपंच साहब दे बड़िया होया, तो वह आ गए, ये रोकण की कोशिश करी, असं भी बाहरी आ गए भी कोई गल नहीं, कोई गल हल कर लें, और इन्नी तेज़ ना साडे पैरां किन्नू हथियार चला लग गए, मारन लग गए, और कृपाना वगैरह, तो फिर असी साइड पर हो गए, अंदर वड़ गए, अंदर वड़ के उन्होंने वो बहुत ज़्यादा सट्टा मारिया, सिर च मारिया, कृपाना बाहों पर मारिया, बहुत बुरी बुरी तरह कुट के उन्हों चढ़ के मोटरसाइकलों पर फरार हो गए। उन्होंने कृपाना दियाँ राड़ा सी लोहे दियाँ डंडे से, उन्होंने को भी घट्टो घट 15-20 जने है, ये गोली उतू 5-4 मिनट बाद ही गोली चली है, वो इतों चल गए ने, ये तो बहुत माड़े हालात ने जी, तो यूपी वाला काम हों यूपी सुधर ही जाती है, पंजाब उतू वध पासे जा रहे हैं, जिम्मेवार सरकार मानते जी, मौके की सरकार मानते हैं, कोई पुछता नहीं गिनता नहीं, उरे कौन की आ कौन ना, कोई किसी को कुछ कहता कोई कुछ कहता, उरे तुरे जाते लोग गल पेंदे आ, नशे च इन्ने दुत रहिंदे हर टाइम, किसी को पता ही नहीं लगता। प्रशासन की भूमिका क्यों नहीं, प्रशासन तो इतने हम अपने की करूँगा जी, प्रशासन इतने कोई सुनवाई नहीं, कोई मौके पर कोई गलबात नहीं हैगी जी, प्रशासन की करूँगा, नशे च रहिंदे जी रात को 11-11 बजे तक, लोग इतने दारूआं शराबा पीते हैं, घेरते हैं रास्तों के लंघन, रात को किसी का कोई है ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जी, दिन पर दिन चोरियां वधदियां जांदियां ने, गुंडागर्दी वधदी जांदी है, तो यूपी वाले हालात हो जाए ने पंजाब दे विच, अपील यही करते हैं भी आपदी आपदी आप रख्या करो आपदी,
ਆਪਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।